हेलो एंड वेलकम बैक आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई गुरु गुरुचे पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे एंड साथ ही इसके मीनिंग नेचर एंड स्कोप को भी समझेंगे सो so आप बने रहिए इस वीडियो के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद चिला को ज़रूर सब्सक्राइब करें कंपेरिटिव पॉलिटिक्स देखिए इसका मतलब है कंपेरिज़न एंड पॉलिटिक्स ये पॉलिटिक्स को समझने का एक तरीका है बाय क्लासिफिकेशन कंपेरिजन कंपेरिटिव पॉलिटिक्स एज आ सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस देखिए हर एक का बेसिक नेचर होता है कंपेयर करना यानी कि कंपैरिजन वो नोइंगली या फिर अन दोनों ही प्रकार से कंपेयर करता है हर एक चीज़ को जो उसके आसपास होती है कंपैरिजन जो है वो हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में इश्यूज़ को और इवेंट्स को एक बेटर मैनर में बट पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो एक मेजर सब फील्ड है विच मेक्स कंपैरिजन इट्स एसेंस देखिए कॉपस्टीन एंड लिखबैक कंसिडर करते हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एज दी थ्री इम्पोर्टेंट पोल्स इन पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट इज डेट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अवर ओन कंट्री विदाउट स्टडी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स सेकेंड इज डेट We cannot understand other countries without knowledge of their background, institutions, and history. And at last, third is, we cannot arrive at valid generalizations about government and politics without the comparative method. Political theory and comparative politics have developed in close proximity, and the earliest comparativist. हैव बीन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट देखिए एरिस्टोटल जो हैं वो फादर ऑफ पॉलिटिक्स के साथ साथ फादर ऑफ कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के पॉलिटिक्स भी हैं एरिस्टोटल जो थे वो अर्लीस्ट फिलोसोफर थे जिन्होंने स्टडी करी ग्रीक सिटी स्टेट की बाय अप्लाइंग कम्पेरेटिव मेथड उन्होंने अपनी स्टडी के टाइम कम्पेरेटिव मेथड अपनाया था सबसे पहले उन्होंने क्लासीफाई किया था पॉलिटिकल सिस्टम को इन डिफरेंट काइंड बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड क्वान्टिटी एरिस्टोटल जो थे उन्होंने कंसिडर कंसिडर किया था सिक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी ऑन वन साइड एज गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड टैरनी ऑलिग्रेसी एंड डेमोक्रेसी एज बेड फॉर्म देखिए कंपेरिटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है इसका मीनिंग है अंडरस्टैंडिंग एंड थियोराइजिंग अबाउट दी पॉलिटिकल बाय कम्प्रोमाइजिंग पॉलिटिकल फिनोमिना एक स्पेस एंड टाइम यानि कि जो आप कम्पेयर करते हैं पोलिटिकल फिनोमिना को वो या तो आप जोग्राफिकल स्पेस में कर सकते हैं या फिर किसी भी कंट्री की हिस्टोरिकल बेस पर कर सकते हैं टाइम एंड स्पेस के साथ देखिए कम्पेरेटिव पॉलिटिक पॉलिटिक्स में कंपेयर करते टाइम हमें टू मेन थिंग्स की आवश्यकता होती है सबसे पहले बात करें पॉलिटिकल सिस्टम की एंड सेकंड जो होती है वो होती है पॉलिटिकल फिनोमिना पॉलिटिकल सिस्टम या फिर कंट्री आप कह सकते हैं उसको कंपेयर किया जाता है पॉलिटिकल फिनोमिना के साथ विद टाइम एंड स्पेस एंड देन उसको एनालाइज़ किया जाता है थ्योराइज़ किया जाता है एंड फिर उसको हाइपोथेसिस कर दिया जाता है देखिए बात करें हम पॉलिटिकल फिनोमिना की कि पॉलिटिकल फिनोमिना होता क्या है तो पॉलिटिकल फिनोमिना में इंक्लूड होते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पॉलिटिकल प्रोसेस यानी कि डिसीज़न मेकिंग एंड पॉलिटिकल पावर जैसे कि काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस तो ये होता है पॉलिटिकल फिनोमिना देखिए हम कोई भी यूनिट ले लेते हैं या फिर कोई भी केस लेकर कंपेयर करते हैं अदर कंट्रीज़ से ठीक है इसमें हम दो या दो से अधिक कंट्रीज़ को ले सकते हैं कंपेयर करते टाइम या फिर किसी भी कंट्री का कोई भी रीज़न ले सकते हैं कंपेयर करते टाइम देखिए जो पॉलिटिकल साइंस का जो इवोल्यूशन हुआ है वो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से ही हुआ है सो इंटीग्रल पार्ट एंड मेथड ऑफ द पॉलिटिकल साइंस इट्स मेजर स फील्ड आइए अब बात करते हैं वाई कंपेयर कंपेयर क्यों कंपेरेटिव मेथड इमीडिएटली ओपन्स द गेट फॉर इंटेंसिव स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्रोजेक्ट नुएंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ डेटा सिंगल केस स्टडी एलॉन कुड नेवर प्रोवाइड द स्कॉलर्स इंगेज इन दिस फील्ड बिलीव डेट

तो हम कंपेयर करते हैं इंस्टीट्यूशन के बेस पर उनके फंक्शंस के बेस पर एसोसिएशंस के बेसिस पर एंड एज़ वेल एज़ ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिस पर देखिए जब भी हम कंपेयर करते हैं अपने स्टेट को या फिर अपने कंट्री को अदर कंट्री या फिर अदर स्टेट से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पता चल पाते हैं सिमिलैरिटीज़ पता चल पाती हैं कि दोनों कंट्रीज़ में जैसे कि पॉलिटिकल साइंस की बात करें अगर हम पॉलिटिकल फील्ड में बात करें जैसे कि वोटिंग बिहेवियर अगर हम वोटिंग बिहेवियर को कंपेयर करते हैं हमारे कंट्री से किसी दूसरे कंट्री के साथ तो हमें कुछ सिमिलरिटीज पता चलेंगी या फिर कुछ डिफरेंसेस पता चलेंगे सो इट ऑल्सो हेल्प अस टू एसेस वेदर थोरेटिकल मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग आर एबल टू क्लेम यूनिवर्सल वैलिडिटी The comparative approach to political science is thus not by itself exclusive, but if we follow the idea that concepts derived from theories about the real world need to be investigated by means of controlling variation as observed in the real world, we cannot abstain from this approach. So, after accepting that comparison is the essential. For accurate understanding and robust research. Next question is how and what we should compare? Should we compare the phenomena between the states while comparing how much considerations should be given to historical analysis? So, let's discuss how to compare methods of comparisons so there are various methods of comparison available to us like the experimental method which is mainly used in natural science case study that produces detailed study of a specific case statistical method that use categories and variables which are quantifiable and represented by numbers example voting pattern public expenditure political parties वोटर टर्नआउट एट्सट्रा देखिए मैनी मैथड्स हैं कंपेरिजन करने के लिए जैसे कि एक्सपेरिमेंटल मैथड जिसको हम मेनली यूज़ करते हैं नेचुरल साइंस में केस स्टडी करते हैं डेट प्रोड्यूस डिटेल्ड स्टडी ऑफ अ स्पेसिफिक केस एंड सेकेंड है स्टेटिस्टिकल मैथड जिसमें हम यूज़ करते हैं कैटेगरीज का वेरिएबल्स का क्वान्टिफल एंड एंड रिप्रेजेंट करते हैं उनको नंबर से जैसे कि वोटिंग पैटर्न पब्लिक एक्सपीडेंशर पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटर टर्नआउट देखिए इसी के साथ जे एस मिल प्रपोज्ड प्रपोज करते हैं दो यूज़फुल स्ट्रेटजीज दो ऐसी रणनीति कंपेरेटिव रिसर्च की जो कि है मोस्ट सिमिलर सिस्टम डिज़ाइन ऑल्सो कॉल्ड मिल्स मैथड ऑफ़ डिफरेंस एंड मोस्ट डिफरेंट सिस्टम डिज़ाइन और मिल्स मैथड ऑफ़ सिमिलरिटीज़ और मिल्स मैथड ऑफ सिमिलैरिटीज़ वाइल द फर्स्ट इज इम्प्लॉयड इन कंपेयरिंग सिमिलर केसेज हैविंग डिपेंडेंट वेरिएबल्स दी लेटर इज़ यूज टू कंपेयर डिसिमिलर केस हैविंग इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स देखिए अगर हम कंपेरिटिव पॉलिटिक्स के नेचर के बारे में बात करें तो ये सबसे पहले तो ये है कि ये एक मेथड है एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल फिनमिना या फिर थियोराइजिंग स्टार्टिंग में ये स्टडी ऑफ फॉरेन कंट्रीज एज वेल एज स्टेट एंड ऑफ देयर गवर्नमेंट सो इसलिए इसको कंपेरेटिव गवर्नमेंट भी कहा जाता है देखिए ये जो है ये ट्रेडिशनल अप्रोच से लेकर मॉडर्न अप्रोच तक है ट्रेडिशनल अप्रोच में हम बात करते हैं स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की वहीं हम मॉडर्न अप्रोच में बात करते हैं स्टडी ऑफ नॉन फॉर्मले नॉन फॉर्मल की नॉन गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर की आइए एट लास्ट हम बात कर लेते हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के मेथड एंड स्टेप्स के बारे में कि कौन कौन से स्टेप्स को कौन कौन से मेथड्स को अपनाया जाता है कंपेयर करते टाइम देखिए सबसे पहले तो हम चूज करते हैं या डिफ़ाइन करते हैं कंसेप्चुअल यूनिट्स को जैसे कि हम किसी भी स्टेट को ले लेते हैं किसी भी कंट्री को ले लेते हैं ठीक है उसके बाद हम डाटा या फिर कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है उसके रिगार्डिंग उसको गैदर करते हैं या फिर उसको इकट्ठा करते हैं देन उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं कैटेगराइज़ करते हैं एंड देन कंपेयर करते हैं देन उसके बाद हम हाइपोथेसिस करते हैं फॉर्मूलेशन करते हैं एंड टेस्ट करते हैं उस चीज़ का एंड एट लास्ट उसको जनरलाइज जनरलाइज़ कर देते हैं यानी कि प्रिडिक्शन कर देते हैं तो ये मेथड होता है कंपैरिजन का जैसे कि आप मान लीजिए आपको किसी भी स्टेट का पार्टी सिस्टम जो है वो कंपेयर करना है तो आप सबसे पहले उस स्टेट को चुनेंगे उस स्टेट को डिफ़ाइन करेंगे देन उसके बाद आप उसके डाटा को या फिर इंफॉर्मेशन को जो भी इसके रिगार्डिंग होगी उसको आप इकट्ठा करेंगे देन उसके बाद उस आप उसको क्लासीफाई करेंगे कैटेगराइज करेंगे अलग अलग लिस्ट में एंड देन उसके बाद आप उसको कंपेयर करेंगे, करेंगे, करेंगे ठीक है उसके बाद आप करेंगे हाइपोथेसिस फॉर्मूलेशन करेंगे एंड उसके बाद आप टेस्ट करेंगे कि वो सही है या गलत है एंड देन एट लास्ट आप उसको जनरलाइज कर देंगे आप उसको प्रिडिक्ट कर देंगे तो ये होता है कम्पेरेटिव मेथड देखिए अगर हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है एरिस्टोटल का जो कि फ़ादर ऑफ पॉलिटिक्स भी हैं एंड एज़ वेल एज़ फ़ादर ऑफ कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स भी हैं इन्होंने सबसे पहले कंपेरेटिव मेथड अपनाया था क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट किया था इन्होंने एरिस्टोटल कंसिडर सिक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं देन उसके बाद आता है मैक्स वेबर जिन्होंने क्लासीफाई किया था अथॉरिटी ट्रेडिशनल अथॉरिटी लीगल रेशनल अथॉरिटी एंड कैरिस्मेटिक अथॉरिटी देन उसके बाद आता है आमंड एंड पोबेल जिन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच दिया था देन उसके बाद आता है आमंड एंड वर्वा जिन्होंने वर्क किया था ऑन सिविक कल्चर उसके बाद आता है मॉन्टेस्क्यू जिन्होंने रिमार्केबल वर्क करा था लॉ के अंदर लिंकिंग द इंस्टीट्यूशनल एंड मॉडर्न फेज देन उसके बाद आता है फिनर जिन्होंने क्लासीफाई किया था रिजीम इन टू लिबरल डेमोक्रेटिक टोटलेटेरियन एंड ऑटोक्रेटिक टाइप्स सो so, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने नियर एंड डियर वंस को एंड उनको भी बताएं कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स होती क्या है एंड एट लास्ट हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचीला को जरूर सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे होम स्टे सेफ स्टे स्टेडोर्स